फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल क्रिप्टो। इट विल गिव्स यू विंग्स। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन करेंसी। तो इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वजीरक्स में को डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिनेंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कॉइन स्विच कुबेर को इन्वेस्ट लेके डाउनलोड करके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों ही ऐपों को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल शेयर करनी पड़ती है, जिससे आप इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और किसी भी करेंसी में 24 आवर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू इन्वेस्टर्स की। जो मेरा न्यू इन्वेस्टर्स है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किस करेंसी में और कितना इन्वेस्ट करना है और मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कौन सा कॉइन मेरा सबसे अच्छा कॉइन है जो बेस्ट रहे, क्योंकि मैं अपने पैसे को इंक्रीज करने के लिए ही कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वे है वो क्या है कि आज मैं इन्वेस्ट करूँ तो फ्यूचर में जब मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी करनी हो तो कुछ पैसा मेरे पास होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। कभी भी आपको किसी एक कॉइन में या किसी एक करेंसी में कभी पूरा पैसा नहीं लगाना है। 50%, 20%, 30% करके अपने पैसे को लगाना है। किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करने से क्या रहता है, जब वो कॉइन डाउन जाता है तो आपके पास ना तो एवरेज करने के लिए पैसा होता है, ना ही इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को गुड इसी तरीके से बना सकते हैं कि आप एक सिलेक्शन करें, आप एक ग्रुप ऑफ कॉइन सिलेक्ट करें जिसमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके 1000 किसी और में, 2000 किसी और में डाइवर्सिफाई करें, ग्रुप ऑफ सिलेक्शन करें, जिससे एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। उसी लिए आपको इन्वेस्ट करना है। जो मेरे न्यू बिगनर्स हैं वो अपने 10,000 के पोर्टफोलियो को कैसे 10 लाख और 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ ही इंक्रीज़ होती है। आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे अपने पैसे को डबल ट्रिपल करते हैं, उसके लिए आपको इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 to 10 years का होल टाइम पीरियड रखना पड़ेगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके कॉइन्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है आपका। और आप देख सकते हैं ये मेरे कॉइन है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जो कॉइन्स हैं ये टॉप 5 कॉइन्स हैं। बिटकॉइन, जैसा कि आप जानते हैं, किंग ऑफ कॉइन है, सबसे बेस्ट है। 2010 में ये 20 रुपीज़ का था, आज ये 35 लाख रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। आपको स्टार्टिंग में इसमें ओनली 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट कॉइन मेरा बिनेंस कॉइन है, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी खुद की अपनी चेन है जिसपे प्लेटफॉर्म में आप अपने पैसे लगा सकते हैं, खुद की इनकी ऐप है जहाँ से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में इसमें भी 2000 रुपीज़ ही लगाने हैं। अगला मेरा कॉइन है इथेरियम है, और नेक्स्ट बिटकॉइन। आप फिर से सुन सकते हैं, बिटकॉइन के बाद जो नेक्स्ट कोई कॉइन होगा जो इतना डेवलप होगा वो इथेरियम है। इसमें भी आपको 2000 रुपीज़ लगाने हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद आपको एवेक्स में इन्वेस्ट करने हैं, इनकी भी ब्लॉकचेन है, बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है, इसमें आपको 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। और जो मेरा नेक्स्ट कॉइन है वो अलाइस है, इसमें भी आपको 2000 रुपीज़ पे इन्वेस्ट करने हैं। एवेक्स आपका अभी 3500 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और एलाइस मेरा 1200 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेरा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। आप सभी कॉइनों में डाइवर्सिफाई करके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने किसी एक कॉइन में पूरी मनी डाइवर्सिफाई रखना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी एक कॉइन में अपनी 100% मनी को इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ आपको ग्रुप ऑफ कॉइन्स है जिससे अगर आपका कोई कॉइन आपको कम प्रॉफिट देता है, कोई लॉस देता है, तो आपका एवरेज हो जाएगा, जिससे आपको इन शॉर्ट लास्ट में प्रॉफिट होगा। और ये जो कॉइन है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। 5 to 10 years का आपको टाइम लेना पड़ेगा। और आपने जो 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं वो स्टार्टिंग में एक साथ नहीं लगाने हैं, 5500 करके। आप एक बार फिर से सुन सकते हैं, 5500 करके आपको इन्वेस्ट करना है, एक साथ कोई भी कॉइन पूरा नहीं इन्वेस्ट करना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग 5000 को आप बाद के लिए, जब आपका कॉइन डाउन जाए
या कोई बल्क आपको करेक्शन मिले तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप पूरा चाहें तो एक बार पूरा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉइन्स हैं। इनमें करेक्शन भी होता है तो थोड़ा बहुत होता है और ये अप हो जाते हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा गुड पोर्टफोलियो है 10,000 के लिए न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप इसके थ्रू अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अपना अच्छा रिटर्न पा सकते हैं फ्यूचर्स में। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।